So late, ma'am. So late, ma'am. When is the class starting? Please start early. नहीं हित भी ना वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है सफलता के यूट्यूब चैनल पे जो कि अमर उजाला का है. बेटा एक्चुअली थोड़ा सा ग्लिच हो गया था नेटवर्क में, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को 5-10 मिनट्स लेट मिल रही हूँ. ओके चलिए, नॉट एन इशू. 5 मिनट्स तो हम वैसे ही वेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, है ना. कभी कभार आपको पता है नेटवर्क्स वगैरह में कुछ ग्लिच हो जाते हैं, और आई थिंक एक टीचर की क्लास चल रही थी तो ड्यू टू दैट रीजन भी हमारा थोड़ा सा क्लास जो है डिले हो गया. ओके चलिए, आपको पता है जब लेक्चर चल रहा होता है तो 5-10 मिनट्स ऊपर एक्सटेंड हो जाता है किसी टीचर का, तो फिर दैट्स व्हाई. ओके चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ओके आप लोगों को कुछ भी डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ मैं आपके डाउट्स क्लियर करती चली जाऊंगी. ओके तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को आज एक पॉइंट बताने वाली हूँ. ओके तो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. हम यहाँ पे क्या बात करेंगे मैं आपको बता देती हूँ. हम टारगेट क्या कर रहे हैं बेटा, आपका लास्ट 6 मंथ का हम जो है यहाँ पे करंट अफेयर टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी एनडीए के एग्जाम में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम हमारी करंट की क्लास में कुछ भी हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा सबसे पहला और फर्स्ट थंब रूल क्या रहेगा बेटा, वो ये रहेगा कि हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे उसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे और इतनी बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा और ना ही हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी. ओके चलिए, फिलहाल तो एक लेटेस्ट न्यूज की बात कर लेते हैं. आप लोगों को कल देखा होगा, आप लोगों ने सभी ने, आपको पता भी होगा कि 17 डेड इंक्लूडिंग बोथ पायलट्स आफ्टर अ प्लेन ब्रेक्स इन टू केरला, है ना बेटा. वो क्या हुआ, यूएई से मतलब दुबई से ये जो प्लेन आ रहा था. अब देखो यहाँ पे जो है ना, हम 2020 की अगर बात करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है. वेरी गुड मॉर्निंग अतुल, शिखर, रतन. बेटा मुझे अभी आप लोगों के मैसेज मिले. कुलविंदर, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट. नहीं बेटा, हम जो है 20 मिनट्स यहाँ पे क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई है ना, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे. ओके और थोड़ा जल्दी जल्दी आज का हम क्लास रखेंगे, डिस्कशंस वगैरह रखेंगे. ओके ठीक है. तो यहाँ पे बेटा ये था कि जो प्लेन आ रहा था ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी. जब वो लैंड कर रहा था बच्चा, तब क्या है, वो स्किट हो गया. आपने बहुत बार देखा भी होगा कि एक्टिवा वगैरह टू व्हीलर्स जो होती है वो स्किट हो जाती है ना, तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन हुई है. लेकिन अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बनेगी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना. तो भैया यहाँ पे जो है ना, आपको केरला, हाँ ठीक है, केरला आपको पता है. ओके तो केरला में क्या है, आपको हम अगर मानसून की बात करते हैं, अगर इंडिया में हम मानसून की बात करते हैं तो कितने टाइप के मानसून होते हैं बेटा, दो तरीके के, ठीक है. वो मैं आपको बता देती हूँ. एक रहेगा आपका साउथ वेस्ट मानसून और एक रहता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना. ये दो आपको देखने को मिलते हैं. तो इसमें क्या है बेटा, ये आपका होता है जून टू जुलाई, और जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून होता है बेटा, इसे पूछ लिया जाता है काफी बार, है ना. इसे रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं. रिट्रीटिंग मानसून इसे बोला जाता है. ओके चलो ठीक है. लेकिन ये जो रिट्रीटिंग मानसून, ये जो आपका आता है ना, ये कौन से एरिया में रेनफॉल सबसे ज्यादा करता है, तो दैट इज तमिलनाडु. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो यहाँ पे. ओके तो ये जो अभी मानसून जो ये वाला आ रखा है ना, जून से जुलाई वाला जो होता है, साउथ वेस्ट वाला जो मानसून होता है, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे काफी बारिश हो रही है केरला में, और वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो गए. एक रीजन ये देखने को मिला, दूसरा हमने कल ये देख लिया. ओके चले कुणाल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. चलिए यहाँ पे अब हम अपना क्वेश्चन सीरीज वाला पैटर्न स्टार्ट करते हैं. हम जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे बेटा, वो कैसे फॉर्म में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में. उससे क्या है, आपका प्रैक्टिस बना रहता है, और एग्जाम टाइम पे जब आप जाओगे सॉल्व करने के लिए तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा. चलिए सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, पहले एक छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और
ओके चलिए, क्लीनेस्ट सिटी अगर पूछी जाएगी बेटा आपसे तो वो रहेगी आपकी इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे आपको, पूछ लिया जाएगा कौन सी है। अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आपको करके आना, मोस्टली इंदौर ऑप्शन में रहता है। ओके, बिग सिटी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा हो जाएगी। मीडियम की, मीडियम पूछता नहीं है पर यहाँ पे जब आ रहे थे तो मैंने आप लोगों के लिए एक पॉइंट बता दिया यहाँ पे। ओके अमन, विवेक, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है सफलता के यूट्यूब चैनल में। डेली हमारी क्लास रहेगी मंडे टू सैटरडे। ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सफलता के ऐप पे जाके, नंबर पे जाके आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी की बात करेंगे हम तो कौन सी है, NDMC। अगर हम क्लीनेस्ट कैपिटल की बात करते हैं बेटा तो वो क्या हो गई, मुंबई। और कैंटोनमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे बढ़िया दिल्ली का। अब देख रहे हैं फास्टर मूवर बिग सिटी, जो भी NCR वाले रीजन के बच्चे होंगे ना अगर यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि गाजियाबाद कैसा दिखता था और अब कैसा हो गया है। ओके चलिए, तो अब हम हमारा यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट करते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। गोरिल्ला पेंड्रा मारवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि 28 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, कौन से स्टेट की है। ओके, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है यहाँ पे आंसर, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीजें अभी बताऊंगी। तो आप लोगों का अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, जो जो बच्चे लाइव आ रखे हैं। ओके, बता सकते हैं NDMC क्या है। ओके बेटा, NDMC होता है नेशनल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और नोएडा दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। ओके ठीक है बेटा, और कोई डाउट, 10:30 थी क्लास। हाँ अक्षत बेटा, 10:30 ही क्लास रहेगी, लेकिन एक टीचर का क्लास थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, मतलब उन्होंने 10 मिनट्स एक्सटेंड कर दिया, सो ड्यू टू दैट रीज़न हमारा क्लास जो है आगे बढ़ गया। ओके चलिए, तो यहाँ पे मुझे किसी के आंसर नहीं मिले हैं, एंड द राइट आंसर इज़ बेटा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखना आपको मारवाड़ी छत्तीसगढ़, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, अब मुझे आंसर मिला है चैतन्य का, आदित्य बी, यस मोहित, सबके आंसर्स आ गए हैं यहाँ पे। कुलविंदर सी, नहीं बेटा सी नहीं, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ है। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम, मैं आपको कनेक्ट करना बता रही हूँ, जब भी हम क्वेश्चन सीरीज फॉर्म में लेंगे ना बेटा, आज का थोड़ा सा हमारा टाइम कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, किसी दिन जब हमारा 1 या 1.5 घंटे का क्लास होगा वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ कर पाऊंगी। तो जब भी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, तो क्या करें बेटा, उसे साथ साथ जो है आप कनेक्ट करना शुरू करें। जैसे अब छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ से मुझे 4-5 पॉइंट्स याद आए तो वो मैंने डिस्कस कर लिए। कैपिटल क्या है बेटा यहाँ का, रायपुर है। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बागल है। गवर्नर अनसुईया जी हैं। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का जो वो है, इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, पूछ लिया जा सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बनेगा ये कि भैया कौन सा ऐसा जगह है जो कि ई लोक अदालत में सबसे पहले किसने कंडक्ट किया गया था, तो दैट इज छत्तीसगढ़। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, वो ये है कि छत्तीसगढ़ इज अ हैवीली फॉरेस्टेड स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। ओके, बहुत क्लियर है, आंसर बता दिया था। हाँ बेटा आंसर बता दिया था। चलिए अब जो है, छत्तीसगढ़ को बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा इंडिया में ऐसा स्टेट है, या सेंट्रल में या ईस्टर्न में, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, जो कि हैवीली फॉरेस्टेड है, नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स, तो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, द महानदी रिवर दैट चेंज इट्स कोर्स, आपको पता है कि इसने अपना जो है कोर्स चेंज किया है 150 ईयर्स ड्यू टू, मतलब क्यों चेंज किया भैया, फ्लडिंग वगैरह की वजह से। और क्या हो गया यहाँ पे, जो पद्मावती विलेज था वो सबमर्ज हो गया। सबमर्ज का क्या मतलब होता है, मतलब वो अंदर धस गया, मर्ज हो गया, जमीन के अंदर चला गया, सबमर्ज हो गया। ओके क्लियर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब बेटा यहाँ पे बात आई है महानदी रिवर की, तो महानदी रिवर पे आपको एक डैम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम है। वो कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है। नोट डाउन कर लो चाहे तो, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो, हीराकुंड डैम है बेटा जो कि लार्जेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट बच्चा।
ओके चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग द 11 डे लॉन्ग धनुजत्र. अब ये क्या है, धनुजत्र है क्या और कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आप लोग आप चाहे तो मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगी. ओके चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आज हम लोगों के पास टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है ना, तो इसीलिए आज का ओके फिर भी जो है हमारा क्लास हाफ एन आवर तो चलेगा ही चलेगा है ना. तो यहाँ पे बेटा क्या है, अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो बढ़िया है बेटा. ये हाफ एन आवर सेशन चलेगा, अभी क्या 11 हो रहा है ना, तो 11:30 तक हमारा क्लास चलेगा. ओके श्रवण, ओके बेटा. चलिए हाँ राइट बेटा, मुझे आंसर मिल गया. मुझे किसने अभी आंसर दिया है यहाँ पे? ओके ठीक है ठीक है, कुणाल का आंसर आ गया, मोहित का आ गया, मोहित ने हीराकुंड डैम बोला है. ओके यस कुलविंदर, मानव, जे एस, ठीक है राइट. ओके 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 बस इनफ है. ओके द राइट आंसर इज बेटा ओडिशा. ओके हाँ धनुजत्र की बात कर लें तो धनुजत्र में होता क्या, ये जो है ना बेटा वन डे का जो है आपका जो थिएटर ड्रामा वगैरह नहीं होता है वो होता है. ओके चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ बिहू. चलो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, माघ बिहू. ये जब हम सॉल्व कर लेंगे मतलब आंसर्स आप लोग जब दे दोगे तब मैं आपको एक इसका पॉइंट बताऊंगी. एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. माघ बिहू एक शुभ फसल त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं साथ ही साथ, सो दैट हमारा रिविजन यहाँ पे होता रहे. जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, उनके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही. ओके चलिए फिलहाल तो मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है. ओके आ गया है जे एस देसवाल का आंसर आ गया है, श्रवण का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो यार, क्या बात है यहाँ पे. चलिए ओके द राइट आंसर इज आसाम. ओके अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे ये आपको बिहू दिख रहा होगा यहाँ पे. ओके जब भी कुछ आपको बिहू से रिलेटेड दिखे तो आंख बंद करके भैया आसाम पे टिक लगा देना आप लोगों को, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिकॉज बिहू वर्ड जो है ना बेटा वो आसाम को रिलेट करता है ना, तो हमें उसमें सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं होगी. चलिए अब यहाँ पे क्या आता है बेटा, एक नागालैंड. ओके नागालैंड में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना, और आप अपने एग्जाम्स वगैरह में देख सकते हैं कि काफी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके तो नागालैंड में बेटा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है. क्लियर, इंपॉर्टेंट है पॉइंट साथ के साथ लिख लो. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे जब हमने माघ बिहू की बात करी तो मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स वगैरह यहां पे याद आने लगे, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए यहां नोट डाउन कर देती हूं. ठीक है बेसुक फेस्टिवल, अली अली लिग्नक फेस्टिवल, ठीक है रोंका राजानी गबरा, ठीक है हरनी गबरा, बोगही बिसु, ओके अंबुशाही मेला और जॉनविल मेला, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस. ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, देखो बेटा हर स्टेट में बहुत सारी चीजें होती है ना, हमें क्या लेना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. क्लियर, हम यहाँ पे वो ही फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा. ओके चलिए ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर. ठीक है भाई, किसे दिया गया, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राप्त होगा ऑस्ट्रेलिया नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है. तो आप लोग मुझे जो है साथ साथ कमेंट भी दे सकते हैं, लिख लीजिए मैम. ठीक है बेटा मैं आपको लिख के भी यहाँ पे बता देती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है आज मैंने आपको बताया ना, तो इसलिए अब देखती हूँ मैं अगर यहाँ पे लिखने वाला ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आज नोट डाउन कर लो आप लोग है ना. देखती हूँ मैं यहाँ पे अगर लिखना पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आ नहीं रहा है यहाँ पे. ओके चलिए जो आपको पूछना है आप एक बोल दो, मैं एक बार रिपीट करके आपको बता देती हूँ है ना, ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है. ओके चलिए
अमंग द फॉलोइंग आंसर्स, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. आयुष, सत्य, इन सब के आंसर्स आ गए हैं. नहीं, जे एस देसवाल का आंसर आया है. यस, एंड योर आंसर इज राइट बेटा. द राइट आंसर इज किरण मजुमदार. ओके, याद रखना है. क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो है ना बेटे, बेटा हमारे इंडिया से रिलेटेड है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा. ओके, ये देख सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया हैज कन्फर्म इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. किसे भैया, किसे दिया है? किरण मजुमदार शाह को, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एडवांसिंग द कंट्री रिलेशनशिप विद इंडिया. ठीक है, कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए. ऐसे तो हम उठा के अवार्ड नहीं दे देते हैं ना. ऐसी तो कोई भी बच्चा फर्स्ट नहीं आता ना, मेहनत करता है, पूरी साल भर की आपकी एफर्ट्स होते हैं, तब जाके आपकी रैंकिंग आती है. ओके, सो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has been ranked the best for a parameter on efficiency target? किस में? In the review of state and central government water department by the Ministry of Jal Shakti. Okay, बेटा आप लोगों को मैं पूरा 6 month का current affair यहाँ पे cover up कराऊंगी. जितनी schemes है, okay, India China relations हो गया, bilateral हो गया, गलवान हो गया, 59 Chinese ban app हो गए, है ना, जितने burning issues है, राम मंदिर का हो गया, रफाल का हो गया, वो सारे topics हम यहाँ पे cover up करेंगे. But कैसे करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में कवर अप करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना होगा. इसीलिए करना होगा क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एग्जाम का डेट बहुत ही ज्यादा नियर है. That's why, है ना? अदरवाइज हम लोगों के पास तो बहुत टाइम है, हम सारा दिन बैठ के पढ़ सकते हैं, नॉट एन इश्यू. ओके, बट हमें एग्जाम फोकस करना है यहाँ पे. चलिए, तो आंसर्स आप लोगों ने किसी के आने शुरू हो गए. ए बी सी, एम पी, गुजरात. ओके, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, द राइट आंसर इज गुजरात, है ना, याद रखना. अब गुजरात आया तो एक और पॉइंट मुझे याद आ गया. मुझे याद आया कैसे? क्योंकि मैं चीजों को कनेक्ट करती हूँ. तो आप लोग भी क्या करें बेटा, चीजों को कनेक्ट करना शुरू करें, है ना. जैसे जैसे एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट आपको किसी के बारे में भी याद आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप रिविजन करते हैं, ओके, तब वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद मैम ने कुछ बताया होगा, जीएस वाले सर ने कुछ बताया होगा, जब आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं या आपने कुछ पढ़ रखा होगा, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ अच्छा, गुजरात में मैंने ये पढ़ा था, न्यू दिल्ली में मैंने ये पढ़ा था, मध्य प्रदेश में मैंने ये पढ़ा था, है ना. तो गुजरात की बात होती है तो गुजरात जो है बेटा नंबर 1 है अभी आपका फूड इंडेक्स पे, है ना, सेफ्टी फूड इंडेक्स पे अगर हम रैंकिंग देखी जाए तो गुजरात उसमें टॉप किया. ठीक है, न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में आपने देखा होगा वर्ल्ड का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है बनाया गया है. अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में भी आपको बता देंगे, पर फिलहाल बात कर लेते हैं कि क्यों बनाया गया. आपको पता है कि कोविड की वजह से, है ना, इसे बनाया गया. क्या बोला गया है, जितने भी पेशेंट जो है ना, जो ठीक होके आए हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना प्लाज्मा यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब जो पेशेंट यहाँ पे मिलेंगे, है ना, जो न्यू पेशेंट मिलेंगे, तो उसमें वो ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इससे ये वाला प्रोसेस हो सकता है, इसलिए बनाया गया. ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो अभी हमने सोलर प्लांट देखा है यहाँ पे रीवा में. ठीक है, यहाँ पे एक थैंक यू स्कीम आई थी. थैंक यू किससे रिलेटेड थी? प्लांटेशन से रिलेटेड थी, है ना. इंतजार आपका एक हमने देखा था एमपी में, वो किससे रिलेट कर रहा था बेटा? वो कर रहा था टूरिज्म को. आपको पता है फिर कोविड की बात आ गई. अब क्या करें, 2020 में कोविड हमें काफी देखने को मिला है, तो जो चीज ज्यादा चर्चित में रहेगी, है ना, उसके बारे में हमें बात तो करनी ही पड़ेगी. तो कोविड की वजह से आपको पता है कि जो टूरिज्म है, मतलब हर सेक्टर पे ही इफेक्ट पड़ा, तो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा. तो क्या बोला है एमपी की गवर्नमेंट ने, ये बोला है कि इंतजार आपका, जब सारी चीजें सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे आएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं. और हमने जो है सारी चीजें यहाँ पे सैनिटाइज फॉर्म में रखी है, मतलब अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो सारी चीजें ध्यान रखी जाएगी, सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा यहाँ पे. ओके, चलिए ठीक है. ओके, इम्यूनिटी स्ट्रांग, पूरा एनडीए का आएगा मैम इसी नोट से. हाँ बेटा, क्या नाम है आपका, एक मिनट, सरिता. ओके, हाँ सरिता बेटा देखो, 70-80% जो है ना आपका सिलेबस हम यहीं पे कवर अप कराएंगे, और सारी जो आपको सफलता पे आपको टीम मिल रही है एनडीए की, है ना, वो आपको टारगेट यही करके पढ़ा रही है जो कि आपके एग्जाम से पूछी जाएंगी. ठीक है, क्योंकि हम पूरा आपको R&D करके पढ़ाते हैं कि क्या पैटर्न रहता है, क्या लास्ट ईयर का एनालिसिस रहता है, तो पूरा आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी सीरीज हम यहाँ पे कराएंगे. ओके, तो क्लास में रेगुलर है, कुछ डाउट्स वगैरह रहे, तो सफलता के आपको जो नंबर्स वगैरह मिले, आप वहाँ पे कॉल वगैरह करके अपने डाउट्स और सारी चीजें क्लियर अप कर सकते हैं. ओके बेटा, ठीक है.
ओके चले मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सरिता, एनडीए का फुल सिलेबस कराएंगे हम आपको एज मैक्सिमम एज जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टाइम कम है। तो टाइम कम में हमें जो मेजर पोर्शन होता है, जो मेजर पार्ट होता है, हमें वो कवर अप करना होता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम जीएस की बात कर लेते हैं, है ना, तो जीएस के पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ मैं जीएस में, तो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम आपको ज्योग्राफी कराएंगे, ठीक है, फिर हम आपको पॉलिटी कराएंगे, ओके, फिर उसके बाद हिस्ट्री होगी। तो इस तरीके से जो मेजर होता है, अब ज्योग्राफी में भी हमें पता होता है कि किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आएगा, वर्ल्ड से ज़्यादा आएगा, ओशनोग्राफी से ज़्यादा आएगा, क्लाइमेट से ज़्यादा, किससे कहाँ ज़्यादा आएगा, तो पूरा आपको बताया जाएगा। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट की, नेक्स्ट की, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुजरात तो भैया फर्स्ट देखने को मिल गया हमें, लेकिन वर्स्ट कौन है, कौन जो है बिल्कुल ही एकदम लास्ट रैंकिंग पे, जो बिल्कुल ही काम ऐसा कर रहा है, तो दैट इज वर्स्ट परफॉर्मिंग किसकी है, न्यू दिल्ली की है ना। जल शक्ति, जल मिशन, जल जीवन पे काफी काम हो रहा है। क्या काम कर रहा है, क्या टारगेट कर रहा है, ये कि 2022 तक हर घर तक जो है बेटा आपको मतलब टैप सिस्टम हो जाए, हर घर में साफ पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे, ठीक है। चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। हाँ यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरी तो आदत है भैया, यहाँ पे जो पॉइंट आता है मैं उसे साथ के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से करो, जब आपको जल शक्ति पढ़ने को मिलेगी, जल मिशन को याद कर लोगे, जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती है साथ के साथ हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कल की बात है बेटा, ये कल का ही न्यूज है। क्या लॉन्च किया है इन्होंने, एक न्यू वर्जन लॉन्च किया है, वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैम ये क्या है और ये करेगा क्या, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जितने भी लोकल लोग हैं, है ना, जितने भी आपके कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं, उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जल शक्ति के ऊपर कि क्या स्कीम आ रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या कैंपेन करना है, किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। जब हमें कोई चीज़ पता ही नहीं होगी तो हम उसे करेंगे कैसे, है ना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जो भी होंगे, तो यहाँ पे ये चीज को लॉन्च किया गया है। ओके ठीक है, अब जब इसकी बात आई है तो भैया एक और पॉइंट याद आ जाता है, पीएम स्वनिधि, ठीक है। एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, पीएम स्वनिधि। हम सारी स्कीम्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे बेटा, ओके ठीक है, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये एक ऐप बनाया गया है। अब भाई फिर से कोविड की बात आ जाएगी। देखो कोविड की वजह से क्या है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, हर घर को, हर व्यक्ति को, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, है तो बहुत मंदे हैं, है ना। तो क्या है, इन्होंने एक ऐप स्टार्ट किया गया, इसमें क्या बोला गया है कि जो जितने छोटे लोकल वेंडर्स होते हैं, है ना, उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। छोटे लोकल वेंडर्स क्या है, जैसे आपको पता है आपके घर के बाहर अगर आप लोग निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, गली वगैरह में निकलते हैं, तो आपको छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं, जैसे राशन की दुकानें हो गई, दूध की दुकानें हो गई, है ना, टीवी वगैरह की, इलेक्ट्रिशियन की, जो छोटी मोटी दुकानें होती है, ठीक है भाई। रोजगार तो सभी को चाहिए, काम तो सभी को चाहिए, ठीक है। बीपीएल जितने लोग हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने खूब सारी स्कीम्स निकाल रखी है, ओके भाई ठीक है। जो अपर क्लास होता है उनका सारा सिस्टम ही बहुत अच्छा, तो उनको लोनिंग आराम से हो जाती है, लेकिन जो मिडल वाला है वो क्या करेगा। तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने काम किया है, तो पीएम स्वनिधि जो है बेटा इस पे काम करता है, ओके। अब इसे लोन कौन देगा, इसे लोन देगा सिडबी। सिडबी कौन है भैया, सिडबी होता कौन है, सिडबी होता है स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। चलो जी एक पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पे। दूसरा है एक यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। इन्होंने रिवाइज्ड ऐप बनाया है स्वच्छता का, स्वच्छता के ऊपर आपको पता है बहुत काम हो रहा है ना, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर काफी टाइम से हम काम कर रहे हैं, ओके। हम का मतलब गवर्नमेंट, ये मत सोचना कि मैडम काम कर रही है, ओके चलिए, तो हम मतलब गवर्नमेंट। तो ये काम स्वच्छता को रिवाइज क्यों किया गया है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितना भी कोविड का इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सकता है, अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, ऑल द क्वायरीज, जितनी भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो क्या है वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, चलिए ओके।
डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ सबमरीन। बेटा अगर प्लीज आप में से किसी को पता है तो मुझे जो है ना साथ साथ में आप कमेंट भी करते बता दीजिए। हेलो सॉरी, मैंने अभी आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं यहाँ पे, फिलहाल मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स वगैरह साथ साथ। श्रवण, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, ओके, नॉट एन इशू, ओके मैम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन। जयप्रकाश, क्या समझाना है फिर से प्लीज मुझे बता दो, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके, सिडबी, सिडबी क्या काम करता है बेटा? देखो सिडबी का सिंपल सा फंक्शन होता है लोनिंग का, जितने भी लोनिंग वगैरह के काम होते हैं वो सिडबी के अंदर आते हैं, है ना। स्मॉल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, मतलब जो डेवलपमेंट की बात आ जाती है ना, जहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ही चाहिए तो वहाँ पे फिनांस हो जाता है, कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं तो जितना लोनिंग वगैरह का काम होता है वो आपका सिडबी के अंदर आ जाता है, ठीक है। आज तक आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि सिडबी के क्या फंक्शन है, क्यों? क्योंकि हमारा एनडीए का एग्जाम है, ये बैंकिंग वगैरह में जो होता है उसमें डीप में वो पूछे जाते हैं वहाँ पे चीज। ओके चलिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका किसी ने मुझे आंसर किया है, बहुत से बच्चों के आंसर आ गए हैं। जे एस देशवाल का आया है, अनिकेत का आया है, म्यूजिक स्कूल का आया है। ओ माय गॉड, कैसे कैसे नाम रखे हुए आप लोगों ने, बिल्कुल। चलिए विनय, कुणाल, जयप्रकाश, चलिए ठीक है, आप सबके आंसर आ गए हैं, बट द राइट आंसर इज बेटा K4। ओके, द राइट आंसर इज K4। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है, वॉज कंडक्टेड ऑफ द वाइजेक कोस्ट। ओके, वाइजेक कोस्ट, अब देखो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, विद द टेस्ट इंडिया हैज मूव वन मोर स्टेप टुवर्ड द इंडक्शन ऑफ दिस बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, डीआरडीओ के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, बट आज का सेशन जो है हमें थोड़ा सा यहीं पे बेटा एंड भी करना होगा। आई थिंक 2 to 5 मिनट्स में हम हमारा सेशन यहाँ पे एंड कर देंगे। डीआरडीओ का पूरा एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, है ना, तो मैं वो आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर रिलीज बाय अनिल कुंबले। ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट रखेंगे, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर जो है हम यहाँ का सेशन आज एंड करेंगे और कल मैं आपको डीआरडीओ वगैरह सारी चीजें बताऊंगी। ओके, करंट अफेयर का बेटा क्या पूछा, वेयर इज, कब से शुरू हुआ है, कल से ही शुरू हुआ है बेटा। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जूम पे एनडीए पे क्यों नहीं बताया गया है मैम? अच्छा ठीक है, मैं एक बार सर को बोल दूंगी, वो आज अनाउंस कर देंगे आप सभी बच्चों को, ठीक है, कि करंट अफेयर का क्लास जो है जूम पे जितने बच्चे उन लोगों को बता दिया जाएगा। 10:30 आप लोगों का रेगुलर क्लास रहेगा। ओके ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ पे। चलिए अभी से एंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे पहले आंसर करके बता दो आप लोग कमेंट बॉक्स पे, क्या है, किसी को पता है तो मुझे बता दो फटाफट से आंसर, क्योंकि आज का लास्ट सेशन है, एंड करेंगे यहाँ पे। जल्दी से बता दिया करो, नहीं आए हैं अभी किसी के आंसर मुझे, ठीक है। चलो द राइट आंसर इज बेटा WV Raman, द राइट आंसर इज WV Raman। ओके ठीक है, किसी ने मुझसे हेडक्वार्टर पूछा था क्या डीआरडीओ का, बेटा हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में। ओके ठीक है, सॉरी मुझे अभी मिले आप लोगों के आंसर्स, हाँ राइट है, राइट, ठीक है। देखो अब एक और चीज, अनिल कुंबले, जैसे ही कुंबले जी याद आते हैं मुझे क्या याद आ जाता है बेटा, मुझे जो है ये याद आ जाता है, इनके ऊपर एक अभी कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, वो कमेटी क्या थी, उन्होंने बोला क्या था, आपको पता है कि नो यूज की बात की गई थी। मैडम अभी नो यूज क्या होता है बेटा, देखो जो भी बॉल पे वो सलाइवा वगैरह लगाते थे ना, उसको बोला गया है कि अब नहीं लगाना है, उसका यूज नहीं होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई है, उस कमेटी के जो हेड हैं वो कौन है, अनिल कुंबले जी हैं। ओके, आईसीसी,
हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बता सकते हैं मुझे कोई कमेंट करके? आईसीसी का बता सकते हैं बेटा आप मेरे को, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बता दो बेटा, अच्छा डब्ल्यू वी का पूछ रहे हैं आप मुझसे फुल फॉर्म, वुरकेरी रमन बेटा नाम है उनका, ठीक है ओके। हाँ सबके आंसर्स आने शुरू हो गए बेटा, राइट यूएई, यस वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे आईसीसी आया ना तो मुझे क्या याद आ गया, क्रिमिनल कोड जस्टिस, ओके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आईसीसी अगर पूछो, अगर आईसीसी पूछा ना क्रिमिनल कोड जस्टिस, ठीक है वो कहाँ पे है? हेग में, HAGUE हेग में है, नीदरलैंड, ठीक है हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड का कैपिटल क्या है बेटा? एम्स्टरडैम, ओके ठीक है। तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, जय हिंद जय भारत। कल मतलब मंडे को आपसे मिलते हैं, और जूम पे भी आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा, जो बच्चे जूम पे क्लास ले रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। थैंक यू बेटा, ओके एनडीए की क्लास जो है बेटा ज्वाइन करें जूम पे आप, और साथ ही साथ आपको सारा की सारी टीम मिलेगी अब आपको सफलता पे, जो आपको सफल कराएगी आपके एनडीए एग्जाम के लिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत बेटा। प्लीज घंटे दे दिए, आधे घंटे की क्लास में टोटल वाच आवर 20 घंटे, आधे घंटे की क्लास में। अच्छा इतने लोगों ने देखा मतलब 20 घंटे जो होता है, हम लोग लर्निंग नहीं है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे 10 घंटे आते हैं, घंटे पढ़ाने के तो ये बहुत बचे, अभी 40 के करीब देखते थे, 59 थे हमें तो 40 से आगे, 59 के करीब। उन्हें से मैनेज कर लेना तो बहुत ज़्यादा।